11 और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये इस गाड़ी की है, ये है महिंद्रा बोलेरो। अगर कुछ ऐसी गाड़ियों का नाम लिया जाए ना, जहाँ पे जिन गाड़ियों का कोई तोड़ ही नहीं है, जिनके लेवल में कोई दूसरा कंपटीशन में कोई गाड़ी आई ही नहीं कभी भाई, तो उसमें एक नाम इस गाड़ी का भी हो सकता है। ये अपने आप में ही एक ऐसी गाड़ी है जिसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। एक टाटा की सूमो आया करती थी, अब तो वो डिसकंटिन्यू हो गई है, बट बोलेरो आज भी आती है और टाइमली अपडेट होती रहती है और जानी जाती है अपनी इसी बॉक्सी प्रोफाइल के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा सरकारी महकमे में इतनी ज़्यादा यूज़ होती है। पुलिस वालों के पास देख लो, किसी भी लीडर के पास देख लो, आपको बोलेरो जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो ये गाड़ी मतलब अपने आप में एक चीज़ ही बढ़िया भाई कोई। अब ये किस किस स्पेसिफिकेशंस के साथ आती है, क्या क्या इसमें आपको मिल जाता है और ऐसा क्या है इस गाड़ी के अंदर जो आज तक ये गाड़ी पुरानी नहीं हुई है, आज तक इस गाड़ी के कस्टमर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, आज तक भी ये गाड़ी ऐसे ही दबा के बिकती है, जिसको ये लेनी है वो इसी को लेता है। तो पहली चीज़ तो इसके लुक्स हैं भाई, ये देखना, मतलब जो लगती है ना बॉक्सी प्रोफाइल इसकी, ये अपने आप में कोई ज़बरदस्त चीज़। और दूसरा एक चीज़ और, ये इसका बेस मॉडल है, आप ये देख सकते हो स्टील व्हील्स वगैरह हैं, इसमें फुटरेस्ट वगैरह नहीं है और ये चीज़ें जो आप देख रहे हो सब मैट ब्लैक हैं। और पीछे की साइड पर अगर आप आते हो ना, तो ये व्हील वगैरह जो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट ये आपको दर्शा देंगे कि ये मतलब बेस मॉडल है, कोई रूफ रिल्स वगैरह नहीं है इसके ऊपर। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कुछ खाली खाली से लग रहा है इसके अंदर। तो इसका B4 वेरिएंट है, मतलब कि इसका बेस मॉडल है। इसकी कीमत की बात अगर हम करते हैं तो ये आपको 9,53,000 रुपये एक शोरूम पड़ती है दिल्ली में, और फरीदाबाद या दिल्ली के आसपास से अगर आप देख रहे हो तो आप डेफिनेटली ये गाड़ी प्लान कर सकते हो और आप आके चेकआउट कर सकते हो प्राइम ऑटोमोबाइल्स पे, जो कि फरीदाबाद में लोकेटेड है डीलरशिप। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। इस गाड़ी पे हो या फिर महिंद्रा की किसी भी प्रोडक्ट पे आपको अच्छे से अच्छे ऑफर चाहिए, डील्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे बेझिझक और अपनी किसी भी कार के ऊपर बेस्ट से बेस्ट क्वेरी आप ले सकते हो। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं कि इसमें आपको मिलता क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इसका बेस मॉडल है और भाई ऐसा लग रहा है मुझे इसे देख के ना, बस कि इसके अंदर अलॉयड अलवाओ ऑफ रोडिंग वाले टायर्स होने चाहिए और ये बस कूदेगी कहीं से भी। मतलब ऐसा ऐसा ही फील आ रहा है इसको देख के, पता नहीं क्यों, पर मस्त लग रही है फिलहाल। ये बेस मॉडल भी बहुत गजब का लग रहा है मुझे तो। और ये इसकी डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और भैया जी ये देखो, मतलब अपने आप में लगती है भाई, ये देखना, मतलब ऐसे कि हाँ भाई किसी लेगेसी को कैरी कर रही है अपने साथ। और ये ऐसी ही आती है भाई, बहुत पहले से ही ऐसी ही आ रही है और फिर भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और उसके पीछे रीजंस भी हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। ये मॉडल वो बंदे प्लान कर सकते हैं जो मतलब एक 7 सीटर एक प्रॉपर एक SUV गाड़ी चाह रहे हैं ना कम बजट में, तो वो उसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरे वो बंदे जिनको ये है कि हमें चाहिए बोलेरो या फिर कोई भी बड़ी SUV चाहिए, 7 सीटर हो और उसका बेस मॉडल मिल जाए जिसमें हम अपने हिसाब से काम करा सकें, तो वो बंदे भी इस गाड़ी को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरी फ्रीडम मिल जाती है, कुछ भी आप अपने हिसाब से करा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा खास मिलता नहीं है। अब मिलता क्या क्या है वो हम बता देते हैं आपको। तो फ्रंट में यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे हेलोजन बेस अपने हेडलैम्प्स का सेटअप है, यहाँ पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर्स वगैरह हैं, पूरी मैट ब्लैक ग्रिल मिलती है यहाँ पे, और ये महिंद्रा का नया वाला लोगो है। और ये देखना सामने से, आज के टाइम में भी भैया जी लोहे का यहाँ पे ये अपना बम्पर देखने के लिए मिलता है, मतलब ये किसी से भिड़ गई ना तो उसका बम्पर निकाल देगी, बट इसको कुछ नहीं होगा टचवुड, क्योंकि आज के टाइम में भी इसमें आपको मेटल का ही बम्पर मिलता है। लेआउट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, फॉग लैंप्स वगैरह अगर आपको लगवाने हो तो आप लगवा सकते हो इसमें। साइड सेक्शन में आते हैं तो अच्छी बड़ी बड़ी क्लैडिंग्स यहाँ पे मिलती हैं, ये पूरी एक स्ट्रिप जो है पीछे तक कैरी होती है। इसके टायर सेक्शन वगैरह की बातचीत यहाँ पे करें तो ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं, 215/75 R15 के कुछ ऐसे मिलते हैं, स्टील व्हील्स जहाँ पे आगे डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगी और पीछे की साइड यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर हो जाती हैं। और ये जो फुट रेस्ट है ये नहीं आता है इसमें, ये आपको एक्सेसरीज के तौर पर ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर अपना इंजन की बैजिंग है MHawk D75, इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे है और ये देख रहे हो कब्जे जैसे, मतलब प्रॉपर रगड फील दी हुई है इसको, पूरे मैट ब्लैक अपने ORVMs हैं, ये ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स यहाँ पे मिलते हैं और एकदम स्क्वायर विंडोज मिलती हैं, देख रहे हो आप ये चीज़ें। तो ये जो बॉक्सी प्रोफाइल है ना, ये इसका एक मतलब एक खूबसूरती वाला ट्रीटमेंट, तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को थोड़ा खूबसूरत सा बनाती हैं, मतलब अपने आप में एक अलग पहचान देती हैं इस गाड़ी को। सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करूँगा, जो इसका एक बॉक्सी प्रोफाइल है, स्क्वायर स्क्वायर सी लगती है ये हर जगह से, ये अपने आप में मस्त है भाई, ठीक है। और यहाँ पे बोलेरो लिखा हुआ मिलता है आपको और यहाँ से डलेगा गाड़ी के अंदर DEF कुछ इस तरीके से। और ये है जिसकी कुछ पीछे की प्रोफाइल, जैसी आगे से लगती है ना वैसी पीछे से लगती है, एकदम स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, एकदम बढ़िया, मतलब बॉक्सी प्रोफाइल जो है वो आपको हर जगह से नोटिस होगी इसकी।
यहाँ पे पीछे टेल लैम्प्स की बात करें तो पूरा सेटअप आपको हैलोजन में देखने के लिए मिलता है। इवन पीछे का जो टायर है ना, इसका जो स्टील व्हील है, ये भी आपको सिल्वर कलर का ही मिलेगा, जैसे ये मिलते हैं ना चारों। ऐसा नहीं है ये अलग से ब्लैक किया हो, स्टेप नहीं है, तो उस हिसाब से जैसे बहुत सारी कंपनी कर देती है कि ब्लैक कर देती है उसे, या फिर ये ब्लैक है तो इसको सिल्वर कर देती है, बट यहाँ पे पांचों के पांचों आपको सेम मिलते हैं। और ये भी आपको सेम ब्रिस्टोन का ही देखने के लिए मिलता है, और सेम टायर सेक्शन के साथ ही आपको मिलेगा ये 15 इंच की टायर प्रोफाइल के साथ। और यहाँ पे अपने ऊपर की साइड देखोगे तो ये यहाँ पे अपना स्टॉक लैंप है, डिफॉगर वाइपर नहीं है। और ये देखना ऊपर भाई क्या नालियाँ सी बना रखी हैं, बढ़िया, मतलब ऊपर से पानी आएगा आगे की साइड सीधा फ्लो, बढ़िया एकदम, मतलब लगता है कि हाँ भाई पुराने टाइम की कोई टेक्नोलॉजी है और वो चलती आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से, कुछ चीज़ है जिसको अपने साथ कैरी कर रही है। यहाँ से आप इसे लॉक अनलॉक भी कर सकते हो। और ये है जी पीछे का मामला कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, डोर लेवर है, और यहाँ पे दो सीट्स भी आपको मिल जाती हैं, क्योंकि ये 7 सीटर गाड़ी है तो ये सीट्स आपको मिल जाती हैं कुछ इस तरीके की। आप फोल्ड भी कर सकते हो अगर आपको, मतलब ऐसा कोई नहीं बैठा पीछे तो आप फोल्ड कर सकते हो, बाकी अगर किसी को बैठना है तो दो बंदे आमने सामने चेहरा करके आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं। टूल किट वगैरह है अपनी, और जो ये कैप है ये वाली, वो आप यहाँ से भी खोल सकते हो, ये अंदर की साइड यहाँ पे देख रहे हो तार सा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी इसे खोल सकते हो। और ये हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिल जाता है, और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है इसका व्यू, बढ़िया। और अभी चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, अब गाड़ी बोलें टैंक बोलें कुछ भी बोलें, क्योंकि भैया इतना सॉलिड मामला है इसका बहुत गजब का। तो ये देख रहे हो कब्जे से हर जगह पे हैं, डोर पैनल्स पे, पीछे वाले डोर पैनल पे भी एज इट इज है, और यहाँ से डलेगा गाड़ी में डीजल। तो अपना जो यूरिया होता है, मतलब जो इसके अंदर डलता है, उसके लिए अलग कैप है, और डीजल के लिए यहाँ पे अलग कैप दी हुई है। और अभी चलते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर से देखो थीम वाइज देखा जाए ना तो लगती काफ़ी खुली खुली है, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको ब्लैक ब्लैक मिलती हैं, ब्लैक हैं कुछ कुछ जगहों पे, बाकी थोड़ा ग्रे सी शेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। डोर पैनल की बात करें तो बढ़िया सा ग्रैब हैंडल मिलता है, सॉलिड स्टडी चीज़ें मिलती हैं, देखना क्या भाई एकदम गजब का डोर लिवर, मैनुअल रोल डाउन विंडोज आपको मिलती हैं, और ये ओल्ड स्कूल चीज़ें, मतलब इसको रोकने के लिए पूरा यहाँ पे फीता दिया हुआ है बढ़िया तरीके से। ये कुछ इस तरीके की मिलती है, 4-way मैनुअल एडजस्टेड सीट, नीचे पैडल्स आपको मिल जाते हैं 3, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच, यहाँ पे लाइट लेवलिंग डायल है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, और ये चाबी के चारों तरफ आपको लाइट भी मिल जाती है। और अभी चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि एसयूवी है तो भाई फील लेनी भी जरूरी है, और भाई साहब मजा आ गया, सीट बेसिक फैब्रिक की है बट बैठ के मजा आ गया बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, आगे पीछे स्लाइड हो सकती है, और ये रिक्लाइन एंगल अपना सेट हो सकता है यहाँ पे। तो ये है मेरे पास चाबी, अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली, क्योंकि आप देखोगे तो ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ है नहीं, चाबियाँ कुछ इस तरीके की मिलती हैं, इन पर सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं आती है दोनों ही चाबियों पर। और हाँ, इसके अंदर वो वाली सेंटर लॉकिंग भी नहीं है कि आप एक दरवाज़ा अनलॉक करो तो चारों अनलॉक हो जाएँ, तो वो आपको मैनुअली एक एक करके खोलने पड़ेंगे अगर आपको चारों खोलने हैं, तो एक ये चीज़ भी है। और ये है इसकी चाबी, ये अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से डलेगी चाबी इग्निशन के अंदर, तो ये गई जी, एक बार ऑन करेंगे तो ये स्टेयरिंग व्हील जो अपना अनलॉक हो जाता है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो बढ़िया। अभी ऐसा यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं तो वो ग्लो भी नहीं करती और वर्क भी नहीं करती है। और सेकंड टाइम आप जब इसे ऑन कर दोगे तो सामने से कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा इसका पूरा क्लस्टर, डिजिटल है, सिंपल सा है, सारी चीज़ें ईजी टू यूज़ हैं, ईजी टू आइडेंटिफाई हैं, और आराम से आपको समझ में भी आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, फ्यूल है, ये RPM वगैरह है, और यहाँ पे अपना स्पीड आती रहेगी वो डिजिटली, और कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इमरजेंसी लाइट जो यहाँ पे है, और ये यहाँ पे स्टिक मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रिप वगैरह ऑर्डर वगैरह सेट ही सेट कर सकते हो, सिंपल। यहाँ पे टाइम वगैरह है, हैजार्ड लाइट की बटन, यहाँ अपने वाइपर्स के कंट्रोल, इधर हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स कंट्रोल। एडजस्टमेंट की बात अगर इसकी करते हैं तो भाई जी ये एडजस्ट नहीं होता है, तो ये फिक्स्ड है, यहीं पर रहेगा। डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, ऊपर की साइड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, यहाँ पे एक मैनुअल डिमिंग IRVM जरूर मिल जाता है, और इधर की साइड भी कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। ऊपर की साइड यहां देखोगे तो एक रीडिंग लाइट आपको मिल जाती है, और ये है पूरा डैशबोर्ड का व्यू, ये देखो। अभी तो ये सीट, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होने का सिस्टम नहीं है इसके ऊपर, फिर भी मैं आराम से बैठा हूं, तो ये मेरा व्यू एंगल है, मतलब ये सामने अपना बोनट जो है वो क्लियर दिखता है, तो ये ही मजा आया भाई ये कैश्यू भी लेने का, तो भाई गजब की फील होती है लिटरली, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। रफ टफ गाड़ी अगर आपको चाहिए ना, तो अगर कोई सिविल में है ना और आपके नोन में हो तो उनसे पूछ के देखना भाई, अगर उनके ग्रुप में अगर एक बुलेरो दी हुई है तो उनसे पूछ के देखना भाई, वो उसे गाड़ी कहते ही नहीं, वो उसको कहते हैं दूसरा ट्रैक्टर है भाई ये हमारा, ना कहीं फंसता है, ना कहीं दम देता है, ना कहीं रुकता है भाई, ऊबड़ खाबड़ रोड हो, प्लेन रोड हो, ऑलराउंडर है ये, हर जगह से निकल जाते हैं कुल मिला के, जबकि 4x4 नहीं है, फिर भी बहुत गजब की पावर आपको डेवलप करके देती है, वो बात करेंगे
देखेंगे आगे। एसी आता है इसके अंदर, ये आपको सहूलियत मिल जाती है, एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं और ऐसा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी आपको मिल जाती है अपने पेपर वर्क के लिए। 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर है, यहाँ पे भी स्पेस है, दो कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक है अपना, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे और कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो ये तो उसकी यहाँ की चीज़ें, और अभी चलते हैं पीछे, पीछे की स्पेस वगैरह भी आपको चेकआउट करा देता हूँ कि पीछे कितनी स्पेस मिलती है और पीछे क्या क्या चीज़ आपको ऑफर होती है। तो डायरेक्ट चलते हैं पीछे, और अभी चलते हैं पीछे, और ये देखना पीछे ये है भाई पूरा 90 डिग्री, ये लो खुल गया पूरा 90 डिग्री और एकदम स्ट्रेट खुला है बिल्कुल, देख रहे हो। तो यहाँ पे भी वही सेम ग्रैब हैंडल है बहुत गजब का, डोर लिवर है, रोल डाउन विंडोज मैनुअल, ये अपना एक स्टेप दी हुई है जिसके थ्रू ये अपना रुका हुआ है यहाँ पे। और अभी पीछे की स्पेस वगैरह आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हो हाथ के नीचे क्योंकि वो जरूरी भी आपको पड़ेगा। और भाई ये देखना कोई दिक्कत नहीं है वैसे देखी जाए एक तरीके से, तो 5-9 मेरी हाइट है, ये आप मेरे पास लेग रूम देख सकते हो, थाई रूम में तो कोई इशू ही नहीं है, बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ यहाँ पे। और ये हेड रूम वगैरह आप देख सकते हो मेरे पास कितना है। और एक चीज़ ये भी है, इसका जो बेनिफिट है ना, एकदम स्ट्रेट रूफ है, तो ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं स्कूप है या फिर आगे से नीचे है पीछे से नीचे, एकदम स्ट्रेट रूफ है तो बराबर का ये हेड रूम रहता है आगे से लेके पीछे तक। यहाँ पे एक और दो दो ही एडजस्टेड हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, और पीछे से कुछ ऐसे दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, और यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह मिल जाती हैं आपको, बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस मिलती है, 3 बंदे इजिली बैठेंगे स्मूथली यहाँ पे। आर्म रेस्ट भी मिलता है भाई, कप होल्डर्स वगैरह तो नहीं है बट बेस मॉडल में आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है, सीट बेल्ट्स हैं, और ये हैं पीछे से 2 सीट्स कुछ इस तरीके की। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये देखो एक तरीके से दिखाता हूँ आपको, ये मैंने बंद कर लिया तो एकदम मेरे शोल्डर के पास में बिल्कुल अपना ग्लास एरिया है, तो बिल्कुल ऐसा घुटन सी फील नहीं होती है। दूसरा इंटीरियर ब्लैक नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ा रूमी रूमी फील होता है, और तीसरा एक ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खुली खुली सी लगती है, तो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ भाई मैं मतलब ऐसे घुटन सी फील हो रही है, कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं, और अभी इसका शानदार सा डीजल इंजन आपको चेकआउट करा देते हैं कि इंजन मिलता कैसा है, कितनी पावर फिगर्स वगैरह हैं और भाई क्या माइलेज देता है ये, तो अभी डायरेक्टली इसके इंजन की तरफ चलते हैं। और अभी इसके इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन पैडिंग मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे आपको मिलता है 1493 cc का 3 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि 74 bhp डेवलप करता है, 210 Nm का टॉर्क जो डेवलप करती है गाड़ी है, और 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है जिससे कंपनी क्लेम करती है 16 की माइलेज। और जो एक डीजल इंजन की गड़गड़ाहट होती है ना भाई, अगर किसी ने महसूस किया हो, चलाया हो कभी कोई डीजल इंजन और उसका मजा पता हो, तो वो मजा इस इंजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो गड़गड़ाहट है ना डीजल इंजन की, वो आपको मजा दिला देगी इसका। और ये है पूरा इंजन कंपार्टमेंट आपके सामने, और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये थी आपके सामने महिंद्रा बुलेरो 2023, ये इसका बेस मॉडल था, और मेरे हिसाब से ठीक ठाक वेरियंट है, क्योंकि अगर किसी को ऐसा है ना कि बाहर से कुछ काम कराना, अपने हिसाब से गाड़ी कस्टमाइज करानी है, या फिर किसी का ऐसा प्रोग्राम है कि मुझे 7 सीटर एक जबरदस्त गाड़ी चाहिए जिसमें मतलब पावर में कोई कमी ना फील होती हो, चलती मस्त हो, और ऐसी गाड़ी हो जिसका मार्केट अच्छा हो, तो ये गाड़ी उनके लिए बेस्ट रहेगी। और जिनका बजट भी दूसरी मतलब एक ऐसी चीज़ है कि भाई बजट के अंदर लेनी है, मतलब ऐसा 10-10.5-11 तक का बजट है और एक बढ़िया गाड़ी चाहिए 7 सीटर जो उठी उठी सी लगे, थोड़ा SUV स्टांस लगे, तो उनके लिए भी ये गाड़ी बेस्ट है। आपकी क्या राय प्लीज़ जरूर शेयर करना कमेंट्स में, और वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।